नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद करेंगे जब हम प्याज की छिल्ली की अस्थायी स्लाइड एक उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हम समान दिखने वाली संरचनाएं दिखती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ये सभी संरचनाएं एक बड़ी संरचना बनाती है, जैसे प्याज। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककण प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। हर एक जीव जंतु कोशिकाओं से बना है, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया आदि। प्रत्येक बहुकोशिक जीव जैसे पादप तथा जंतु एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिका किससे बनती है? कोशिका के तीन मुख्य अंग हैं, प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कुछ पदार्थ को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यह लचीली झिल्ली है जो कि कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन से बनी है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस इसके आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। यह मुख्यतः सेल्युलोज एक जटिल पदार्थ से बनी होती है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली में प्रस्तुत छिद्रों से जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। डीएनए आनुवांशिक गुण है जिसमें कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कोशिका द्रव्य। प्लेज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है।
इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त जलियों तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लेज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में भेज देती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसों तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवन जनन कहते हैं। गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। कोशिका में अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित करते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। आरईआर एंजाइमों को बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है। ब्लास्टिड। ब्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। क्रोमोप्लास्ट। रंगीन ब्लास्टिड क्लोरोफिल वर्णक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन ब्लास्टिड।
ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड भी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाले परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानियों में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं।